तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सक्सेस पाने का 100% फॉर्मूला बताता हूँ। 100% फॉर्मूला ये है कि सिर्फ 1% होता है आप लोगों का लक, 1% होता है आप लोगों का टैलेंट, और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है 98% जो कि है आपका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। तो चाहे आपके अंदर टैलेंट की कमी हो, पर आप जो नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड से आगे बढ़ते जाते हो और मेहनत करते चले जाते हो तो आप 100% सक्सेस तक पहुंच जाते हो। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है June 11, 2019 और डे है ट्यूजडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूं। एंड अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आई एम दी ओनली एजुकेटर जो यूपीएससी कैटेगरी में डेली करंट अफेयर्स कवर करता है। तो अगर आप लोग अकेडमी प्लस की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड aman.sharma का इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक पे मुझे संपर्क करना ना भूलिएगा। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल था, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पेस मिशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड स्पेस एजेंसी। यहाँ पर चार स्पेस मिशन के नाम थे, उनके आगे उनके देशों के नाम थे। तो सबसे पहले स्पुटनिक 1, तो स्पुटनिक 1 को USSR ने लॉन्च किया था, ना कि रशिया ने, एंड दिस वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट टू बी लॉन्च्ड। सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है, Long March 1 चाइना ने किया था। ओके, थर्ड बिल्कुल सही है कि ग्योटो, यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया था। Explorer 1 यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था, ठीक है, जापान ने नहीं किया था। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा C 2 and 3 ओनली। आपके लिए आज का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली ऑर्गेनाइज द गांधी साइकिल रैली फॉर पीस। तो गांधी साइकिल रैली फॉर पीस किस पर्टिकुलर देश ने ऑर्गेनाइज करी महात्मा गांधी जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए। आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी चाइना, सी सऊदी अरेबिया या डी ऑस्ट्रेलिया। अपने अपने आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। सबसे पहली खबर आप लोगों को मिलती है page number 8 पे, न्यूज है सुप्रीम कोर्ट स्टेज डेमोलिशन ऑफ कोची हाई राइजेस। तो कोची के अंदर हुआ यहाँ पर कोस्टल रेगुलेशन जोन्स का वायलेशन, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं उनको गिराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। अब यहाँ पर एक वैकेशनल बेंच थी जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अजय रस्तोगी जी की, उन्होंने उस जो डेमोलिशन का जो यहाँ पर ऑर्डर था उसको फ्रीज कर दिया है 6 हफ्तों के लिए, 6 वीक्स के लिए, क्योंकि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है कि देवर नॉट इवन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। उनको यहाँ पर अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला कोर्ट के सामने। तो 5 अपार्टमेंट ब्लॉक्स के खिलाफ यहाँ पर कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर पास किया था। और डेमोलिशन यहाँ पर हो जाना चाहिए था, ऑल दो जो डेमोलिशन की जो डेट है वो भी मिस आउट हो चुकी है। तो 3 मेंबर पैनल की जो रिपोर्ट थी उसने इस चीज़ को कंक्लूड किया था कि ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये एक CRZ 3 लिमिट्स के अंदर फॉल करती हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो यहाँ पर 3 वाली जो कैटेगरी है उसके लिमिट्स के अंदर फॉल करती है। और कमिटी ने इस चीज़ को भी स्टेट किया था कि एज पर द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन ऑफ 1991 और साथ में जो केरला कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान 1996 है उसके हिसाब से ये CRZ 3 के अंदर आती है और इसीलिए इनको डिमोलिश कर दिया जाए। बेसिकली कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1991 के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन परमिटेड नहीं है विद इन 200 मीटर ऑफ द कोस्टल लाइन इन CRZ 3 जोन्स। आपके लिए आज का बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के बारे में। बेसिकली जितने भी हमारे कोस्टल स्ट्रेचेज होते हैं, चाहे वो सी हो, बे हो, एस्चुरी हो, क्रीक्स हो, रिवर्स हो या बैक वाटर्स हो, उनको हम लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूप में डिक्लेयर करते हैं अंडर द कोस्टल जोन रेगुलेशन नोटिफिकेशन 1991। इनको 4 अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, CRZ 1, 2, 3 और 4। बेसिकली डिवीजन किस तरीके से है, यहाँ पर डिवीजन ऐसे है कि जो CRZ 1 है उसके अंदर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आते हैं जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती एक्सेप्ट एक्टिविटीज सच एज एटॉमिक पावर प्लांट्स या डिफेंस वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं। CRZ 2 जोन्स के अंदर यहाँ पर जो अर्बन एरिया होते हैं उन्हें डेजिग्नेट किया गया है दैट आर सब्सटेंशियली बिल्ट अप और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर अलाउड इन द लैंडवर्ड साइड, जो लैंड वाली साइड है वहीं पर ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ होती है। जो CRZ 3 जोन्स हैं उनके अंदर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एरियाज आते हैं, बेसिकली रूरल एरियाज, जो कि यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अलाउड नहीं होती है इन जोन में,
ओके, बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन होती है ड्वेलिंग यूनिट्स की इन द प्लॉट एरिया लाइंग बिटवीन 200 एंड 500 मीटर ऑफ द हाई टाइड लाइन इज पर्टिकुलरली अलाउड, पर 200 मीटर से नीचे होती है तो वो अलाउ नहीं होती है। पीछे जो मैंने अभी आपको न्यूज़ बताई वो 200 मीटर के विद इन था, इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया। सीआरसी 4 के अंदर यहाँ पर जो वाटर एरियाज होते हैं उनको कवर किया जाता है जो कि लो टाइड लाइन के और यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स सीवर्ड यहाँ पर बीच में होते हैं, उन पर्टिकुलर एरिया के अंदर फिशिंग या उससे रिलेटेड एक्टिविटी के अलावा आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। रिसेंटली हमारे सामने कोस्टल रेगुलेशन जोन चेंज भी होते हुए नजर आए, दो नई कैटेगरी आई हैं सीआरजी 3A और सीआरजी 3B, ओके। और यहाँ पर जो मेन फोकस था हमारा वो टूरिज्म के ऊपर था, तो रिसेंटली जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने 2019 के कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स यहाँ पर अनाउंस किए जिसने एग्जिस्टिंग सीआरजी नॉर्म्स ऑफ 2011 को रिप्लेस कर दिया। बेसिकली जो नए नॉर्म्स हैं दे हैव बीन इशूड अंडर द सेक्शन नंबर 3 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। जो नए सीआरजी नॉर्म्स हैं उनका मेन मकसद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पर प्रमोट करना बेस्ड ऑन दिस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जो सीआरजी रेगुलेशन 2019 है उनका यही मेन मकसद है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि टूरिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया गया है, ओके, हमें प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है हमारे एनवायरनमेंट को, खासकर कोस्टल स्ट्रेचेस के अंदर है, मैरीन इकोसिस्टम है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज का हमारे मैरीन इकोसिस्टम के ऊपर ही होने वाला है। तो कुछ सेलेंट फीचर्स यहाँ पे सीआरसी रेगुलेशन 2019 के, इसके अंदर दो स्पेशल कैटेगरी और यहाँ पर लॉन्च की गई सीआरसी 3 रूरल एरियाज के अंदर, सीआरसी 3A, बेसिकली ये यहाँ पर ए कैटेगरी जो है इसके अंदर डेंसली पॉपुलेटेड जो रूरल एरियाज हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर की है एज पर 2011 सेंसस, उनको यहाँ पर किया गया है। इन एरिया के अंदर यहाँ पर नो डेवलपमेंट जोन होगा 50 मीटर फ्रॉम दी हाई टाइड लाइन एज अगेंस्ट दी 200 मीटर फ्रॉम दी हाई टाइड लाइन स्टिपुलेटेड इन दी सीआरजी नोटिफिकेशन ऑफ 2011। यहाँ पर सीआरजी 3B यहाँ पर कैटेगरी आई है, जो बी कैटेगरी है यहाँ पर सीआरजी 3 रूरल एरियाज की, वो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से है जिनकी कम है 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से एज 2011 सेंसस, इन एरिया के अंदर कोई भी डेवलपमेंट अलाउ नहीं है 200 मीटर फ्रॉम दी हाई टाइड लाइन तक। इसके साथ साथ जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स के नॉर्म्स हैं उनको भी थोड़ा ईज आउट किया गया है, ओके। इसके साथ जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको परमिट किया गया है कोस्टल एरिया के अराउंड, ओके, ट्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, चेंजिंग रूम्स, टॉयलेट्स, ओके, शैक्स, उनको अलाउ किया गया है। और जो सीआरसी क्लियरेंस है उनको स्ट्रीमलाइन किया गया है कि जो प्रोसीजर्स हैं सीआरसी क्लियरेंस के दे हैज बीन स्ट्रीमलाइंड। अब यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सीआरजी 1 या सीआरजी 4 एरिया के बीच में लाए करते हैं विल बी डेल्ट विद सीआरजी क्लियरेंस बाय द मिनिस्ट्री, और जो पावर होगी फॉर द क्लियरेंस विद रिस्पेक्ट टू सीआरजी 2 एंड सीआरजी 3 जोन्स वो यहाँ पर स्टेट लेवल को दी गई है। साथ ही नो डेवलपमेंट जोन यहाँ पे बताया गया फॉर द 20 मीटर्स फॉर ऑल द आइलैंड्स, जितने भी आइलैंड्स हैं वहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन होगा 20 मीटर तक। पॉल्यूशन को यहाँ पर कम करने की यहाँ पे बात की गई, और जो क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरियाज हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली बात की गई कि जो सुंदरबन रीजन है हमारे वेस्ट बंगाल का और बाकी जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एज द गल्फ ऑफ खंबाट या गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, अचरा रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, करवार या कोंडापुर इन कर्नाटक एंड विम्बनाड इन केरला, जो गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु के अंदर और भीतर करने का है ओडिशा के अंदर, ओके, कृष्णा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर, दे आर क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरियाज। ये जो क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरियाज हैं दे विल बी मैनेज्ड इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द फिशर फॉक्स, ओके। तो ये सारी की सारी न्यूज थी, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एक साइक्लोन आ रहा है जिसको हम लोग वायु के नाम से जानते हैं, साइक्लोन वायु, और वो बेसिकली किस साइड आ रहा है, अरेबियन सी के साइड पे आ रहा है और गुजरात के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता हुआ हम लोगों को नजर आएगा। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये वैसे कोई डिजास्ट्रस साइक्लोन नहीं है, बट हमारा जो मॉनसून है उसको ये इम्पैक्ट करने वाला है। अब हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो अभी कुछ ही दिनों पहले तो अराइव हुआ, और उसके यहाँ पे इम्पैक्ट किस वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पर जब साइक्लोनिक एक्टिविटी हमारे सामने आएगी तो वो जो साइक्लोन होगा वो उस पर्टिकुलर मॉइस्चर को सक कर लेगा, उस पर्टिकुलर मॉइस्चर को खींच लेगा जो कि साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड से लेकर आ रही है। तो डिप्रेशन यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर हमें इंटेंसीफाई होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी बोला। और जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है आगे आने वाले 24 घंटों के अंदर। मूविंग ऑन पेज नंबर 8 पे खबर मिलती है आंध्र प्रदेश विलेजर्स टर्न टू एज ओल्ड रिचुअल फॉर रेन।
तो यहाँ पर रेन, यहाँ पे बरसात को बुलाने के लिए एक बहुत ही पुराणिक रिचुअल यहाँ पे करना चालू कर दिया है आंध्र प्रदेश के विलेजर्स ने। इस पर्टिकुलर रिचुअल्स को यहाँ पे वलासा देवरलू के नाम से जानते हैं। ये एज ओल्ड रिचुअल है जो कि वापस से विलेजेस के अंदर आ गया है। तो आंध्र प्रदेश आज की डेट में ड्रॉट कंडीशन फेस कर रहा है, स्विंग सीजन आ रहा है, तो यहाँ पर लोगों ने जो रिचुअल किया है, ट्रेडिशनल रिचुअल किया है, इसके अंदर क्या करते हैं, लोग अपने घरों को अबेंडन कर देते हैं एट द डॉन, ओके, रात के समय पर, और फिर फील्ड के अंदर जाके सो जाते हैं, खेतों के अंदर जाके सो जाते हैं। वहाँ पे एक आइडल बनाई जाती है किले की, जिसको वलासा देवा रम के नाम से जानते हैं। गॉडेस हैं ये, ओके, देवी हैं, और उनको यहाँ पर पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो विलेज एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे कहानियाँ सुनाते हैं, डांस करते हैं, बातें करते हैं, ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और माना जाता है कि इससे यहाँ पे बरसात आ जाएगी, जो यहाँ पे इंद्रदेव हैं वो खुश हो जाएंगे और बरसात कर देंगे। पेज नंबर 8 पे खबर मिलती है, केरला टू अमेंड रूल्स फॉर एलिफेंट केव्स। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ केरला है वो अमेंड करने वाली है कुछ ऐसे रूल्स को, जिससे यहाँ पे जो कैप्टिव एलिफेंट्स, जिनको कैप्टिविटी के अंदर रखा जाता है, ओके, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय में हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे कैप्टिव एलिफेंट्स मर गए, ओके, 34 कैप्टिव एलिफेंट्स डाइड इन द स्टेट। इसके लिए यहाँ पे कमिटी बनाई गई थी इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर लुक आफ्टर करने के लिए। यहाँ पे इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मोबाइल और वेब एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जो डेटाबेस है यहाँ पे कैप्टिव एलिफेंट्स का, इट वॉज रेडी विद द डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंसस, और इसी के ऊपर काम किया जा रहा है। एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पर 108 करोड़ रुपीज़ की बताई जा रही है, जिन यहाँ पर कैप्टिव एलिफेंट्स को एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, जो कि थिरुवनंतपुरम के अंदर लोकेटेड है। पेज नंबर 9 पे खबर मिलती है, रियॉट्स सो सीड्स ऑफ डेफियंस। तो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हो गई है, और बेसिकली जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट दी सेंटर्स इनडिसिसिवनेस इन अप्रूविंग द नेक्स्ट जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। तो यहाँ पर जो GM क्रॉप्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर डिसीजन लेने में जो गवर्नमेंट का फेलियर रहा है, जो गवर्नमेंट यहाँ पर फेल हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए जो सड़क पर उतर रहे हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पर हमारे फार्मर्स। और यहाँ पे सबसे पहला सवाल यह आता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं ये होती क्या हैं। बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक तरीके के प्लांट्स होते हैं जिनके DNA को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, उनको इंजीनियर कर देते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक की मदद से, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे प्लांट्स हों वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाएं, एनवायरनमेंट कंडीशन को झेल पाएँ, ओके, यहाँ पे हर्बिसाइड वाली जो एक्टिविटी है वो उनके अंदर डेवलप हो जाए। रिसेंटली क्या हुआ था, हरियाणा के अंदर कुछ पर्टिकुलर फार्मर्स हम लोगों को GM क्रॉप्स इलीगली ग्रो करते हुए नजर आए थे, तो उनके खिलाफ सरकार ने बड़े एक्शन लिए, ओके, और यहाँ पर जो इलीगल हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन है या BT ब्रिंजल है वो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो फार्मर्स हैं इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर अपनी फील्ड के अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो एक तरीके का यहाँ पर शांतिपूर्ण यहाँ पर प्रोटेस्ट है कि गवर्नमेंट की हम लोग बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को भी नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वी शुड बी गेटिंग द न्यूएस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, और जो कि बिल्कुल ये सही बात है। बेसिकली इस पर्टिकुलर मूवमेंट को गेन तब मिला जब हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2 फार्मर को एक्यूज किया कि वो इलीगली ग्रो कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल्स, और यहाँ पर वो अपनी क्रॉप्स को भी इस पर्टिकुलर वजह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर मैं अपने देश की बात करूं, मतलब हम लोग अगर इंडिया की बात करें कि GM क्रॉप्स के ऊपर हम लोग कैसे डील करते हैं, अभी भी हमारे देश को कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ GM क्रॉप्स को अप्रूव करना है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारी BT कॉटन है, ओके, उसको ही हम लोगों ने अप्रूव किया हुआ है, बाकी जो BT ब्रिंजल है, मस्टर्ड है, उनको हम लोगों ने अप्रूव नहीं किया, ओके। BT कॉटन सबसे पहले 2002 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो यहाँ पे फार्मर बॉडी बेसिकली एक इलीगल एक्ट कर रही है, बट वो ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग भी इंटीग्रेट करें। पेज नंबर 9 पे खबर मिलती है, डोनेट एक्सेस फूड सेज हेल्थ मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सजेस्ट किया है कि जो भी एक्सेस खाना हो, बेसिकली यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको सजेस्ट किया कि जो भी एक्सेस खाना हो उसको आप लोग यहाँ तो बांट दो और डोनेट कर दो, और जो यहाँ पर वेस्ट हो उसको कंपोस्ट में यहाँ पर बदल दो। ये एक बहुत बढ़िया मेथड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने के लिए। जो मिनिस्ट्री हेट इज नाउ एडवोकेटिंग एंड प्रोमोटिंग अ जीरो फूड वेस्टेज कैंपेन इन द रेस्टोरेंट्स, ओके, यहाँ पर एक क्लियर मैसेज शो किया है
टू ऑल द कस्टमर्स एंड स्टाफ मेंबर्स रेस्टोरेंट करें कि यहाँ पे अगर एक्सेस फूड हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, पुअर लोगों में, गरीब लोगों में, किचन का जो वेट वेस्ट हो उसको कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाए। बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली एस्टिमेट किया कि नियरली 40% ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज वेस्टेड और लॉस्ट। और यहाँ पे फूड वेस्टेज है वो इंडिया के अंदर वो हमें हर लेवल पे देखने को मिलती है, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग तक। यहाँ पे चाहे वेडिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स, होस्टल्स, हाउसेस, जितने भी सारे हैं, दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ वेस्टेज ऑफ कुक्ड फूड। तो यहाँ पे जो ईट राइट कैंपेन है जिसको लॉन्च किया गया था रिसेंटली, उसको ध्यान में रखते हुए फूड इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम लोगों को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फूड सेफ्टी डे भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था अभी रिसेंटली 7th of June को। मूविंग ऑन, पेज नंबर 11 पे खबर मिलती है द मेरिट्स ऑफ अ फ्री राइड। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली मेट्रो के अंदर फ्री में राइड करने का यहाँ पर मौका दिया है महिलाओं को। तो महिलाओं के लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे अब यहाँ पर मेट्रो के अंदर राइड करने के लिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो ये प्रपोजल है कि मेट्रो को और बस ट्रैवल को यहाँ पे फ्री किया जाए वुमेन्स के लिए, वो यहाँ पर वुमेन्स को एनकरेज तो करेगा ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए, बट ऑल्सो अलाउज देम टू ऑक्यूपाई पब्लिक स्पेसिस मोर, और वो अपने जो राइट टू वर्क है, राइट टू कम्यूट है, उसको आराम से एक्सरसाइज भी कर पाएंगी। बहुत सारी स्टडी के हिसाब से जो महिलाओं की चॉइसेस होती हैं अबाउट वर्क, वो उनके कम्यूटिंग एक्सपीरियंस से यहाँ पर डिपेंड होती हैं कि घर से कितना दूर है, ओके, किस जगह पर वो काम करने जा रही हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती हैं, इंक्लूडिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, या डिस्टेंस कितना है वर्क प्लेस का उनके घर से, या प्रेजेंस ऑफ अदर वुमेन ड्यूरिंग दी कम्यूट, और महिलाओं की सेफ्टी का यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। बेसिकली ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ कम्यूट है, वो उनके चॉइस ऑफ वर्क को भी डिटरमाइन करती हैं। डेलॉइट ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली जिसने इस चीज़ को रिवील किया कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो हमें गिरता हुआ नजर आया टू 26% इन 2018 फ्रॉम 36.7% इन 2005। और इसका एक बहुत बड़ा कारण 2018 की जो ये चीज़ आई वो था डीमोनेटाइजेशन। ओके, मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो पर्टिकुलर मूव है वो दिल्ली मेट्रो, जो कि एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट एयर कंडीशनर पब्लिक मोड ट्रांसपोर्ट और जिसको बहुत ही सेफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, वो एक्सेसिबिलिटी देगा वर्किंग क्लास वुमेन को जो कि यहां पर मेट्रो से ट्रैवल करना चाहती हैं। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साथ ही इकोलॉजिकल भी है क्योंकि दिल्ली जिस तरीके से पॉल्यूट हो रही है, यहां पे चीप एसेस दिया जाएगा तो जो 50% पॉपुलेशन है महिलाओं की वो यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगेंगी। फाइनली दोज आर्ग्यूइंग दैट दिस मूव वुड रीइंफोर्स द आइडिया दैट वुमेन आर वीकर सेक्स ऑफन टर्न्स अ ब्लाइंड आई टू द नोशन ऑफ इक्वालिटी व्हेन इट कम्स टू द एक्नॉलेजिंग लार्ज जेंडर पे गैप्स। ओके, तो जो लोग यहां पर बड़े सवाल उठाते हैं कि या ये महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन है और बाकी सारी चीजें हैं, वो पे गैप्स के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं, सो हाउ वुमेन आर रैम्पेंटली इंडल्ज इन अनपेड लेबर। ओके, तो इन सब चीजों पर भी उन्हें बोलना चाहिए। सो दिस इज नॉट टू से दैट गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है वो ऑटोमेटिकली एक सेफर एनवायरनमेंट बना देगा महिलाओं के लिए, बट इट इज अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग। पेज नंबर 13 खबर मिलती है मोदी टू मीट जाई पुतिन एस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो SCO के बारे में यहां पे बात हो रही है। ओके, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक हमारी जिसको शंघाई पैक्ट के नाम से जानते हैं, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 के अंदर इसको फाइंड आउट किया गया था, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओके, अपार्ट फ्रॉम उज्बेकिस्तान बाकी जो कंट्रीज थी उनको हम लोग शंघाई 5 के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान 2017 के अंदर मेंबर बने। ओके, तो 5+1 मतलब उज्बेकिस्तान और 2 इंडिया और पाकिस्तान, और यहाँ पर टोटल मेंबर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8। ओके, तो जब अस्ताना के अंदर मीटिंग हुई थी ना 2017 में, तब इंडिया और पाकिस्तान मेंबर बने थे। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करने वाले हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर जो कि होने वाली है बिश्केक, किर्गिस्तान के अंदर। वहां पर प्रधानमंत्री मिलेंगे ज़ाई जिनपिंग से, व्लादिमीर पुतिन से। बड़े यहां पर इशू रहेंगे टेररिज्म, अफगानिस्तान, रीजनल सिक्योरिटी, मल्टीलेटरल डायलॉग और ग्लोबल सिनेरियो। ओके, जो भी US कर रहा है वो भी एक बहुत ही बड़ा सिस्टम रहेगा। साथ ही यहां पर बोला गया कि इंडिया वॉज सेटिस्फाइड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्री इन दी रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। तो यहां पर रैट्स के बारे में भी बात हुई। बेसिकली रैट्स को 2004 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक परमानेंट ऑर्गन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसको हम लोगों ने बनाई इसलिए है कि सारी की सारी मेंबर स्टेट्स 3 इविल्स के खिलाफ लड़ सकें। 3 इविल्स कौन से हैं यहां पे?
TES, ओके, टेस्ट याद कर लो आप लोग. टी मतलब टेररिज्म, ई मतलब एक्सट्रीमिज्म और एस मतलब यहाँ पे सेपरेटिज्म. और यहाँ पर रैक्स का जो हेडक्वार्टर है वो तशकंद के अंदर है, ओके, तशकंद के अंदर यहाँ पर हेडक्वार्टर है यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रैक्स का, ओके. अगस्त 2018 के अंदर इंडिया ने ज्वाइन किया पाकिस्तान को इन अ टेक्टिकल मिलिट्री एक्सरसाइज अंडर द SCO's रैक्स, और इसके बारे में भी बात होगी. साथ ही इंडिया में गिव पाकिस्तान इट्स ड्यू फॉर एक्शन अगेंस्ट द टेरर ग्रुप. तो एक साल हो गया है जब यहाँ पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, और यहाँ पर उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत सारे नए नए एक्शन करना चालू कर दिया था जिससे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया जा सके. एन ऑफिशियल सेट कि जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सीज किए हैं 771 सेमिनरीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको लश्कर ए तैयबा रन करता था, उसके बाकी सारे फ्रंट्स रन करता था जैसे जमात दबा, फलाई इंसानियत या जैश मोहम्मद. और यह पहली बार है 1990s के बाद जब पाकिस्तान ने इस तरीके के यहां पर बड़ी मुहिम चालू करी है. तो अवॉइड बिग पुट इन टू द ब्लैक लिस्ट, पाकिस्तान यहाँ पर और भी प्रॉपर्टी सीज कर रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा FATF जब रिव्यू करेगा तो FATF उसे ब्लैक लिस्ट के अंदर भी डाल सकता है. यहाँ पे टीम ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स वो यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो ऑरलैंडो US के अंदर ट्रैवल करेंगे जहाँ पे एक प्लेनेटरी सेशन होने वाला है FATF का, ओके. FATF ग्लोबल टेररिज्म फाइनेंशियल वॉचडॉग है, बेसिकली टेररिज्म और यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग है उनके केसेस के लिए FATF यहाँ पर डील करती है. तो जून 2016 से जून 21 तक हम लोग वहाँ पे ट्रैवल करेंगे. एंड इंडिया हैज़ टेकन अ बैक सीट टू द US, UK, फ्रांस इन द पास्ट ईयर सिंस पाकिस्तान वाज पुट ऑन ग्रे लिस्ट. दो जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पे फ्रीक्वेंटली एक्यूज़ किया है इंडिया को कि इंडिया यहाँ पे अपने टर्म्स डिक्टेट करती है एक्शन टेकन रिव्यूज़ के अंदर. जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है यहाँ पे FATF का, इट हेल्ड अ मीटिंग इन मे अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी न्यूज़पेपर. यहाँ पे जो पाकिस्तान है इट वॉज फाउंड टू हैव टेकन इनएडिक्वेट एक्शन इन 18 ऑफ 27 एरियाज. तो पाकिस्तान वॉज ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ रिस्क बिटवीन 2012 टू 2015. और अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया यहाँ पर ना ज़्यादा फोर्स करे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला जाए. पेज नंबर 13 पे खबर मिलती है फ्रांस टर्निंग हॉट डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स. तो फ्रांस बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन होती जा रही है बच्चों के लिए, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली डबल हो गए हैं पिछले दो साल के अंदर जो बच्चे फ्रांस जाते थे पढ़ाई वगैरह करने. तो यहाँ पर क्या बात की गई इंपॉर्टेंट, ये जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज की में बात हुई वो ये है कि यहाँ पे जो फ्रांस कंपनी जो इंडिया के अंदर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ऑफर दें, बेटर जॉब प्रोवाइड करें, ओके, उनके साथ कनेक्शन बिठाने की बात हो रही है. अ डिकेड अगो जो यहाँ पे एनुअल नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स थे जो फ्रांस ट्रेवल करते थे वो सिर्फ 400 थे, अब 2017 में इट है शॉट अप टू 5000 जो कि यहाँ पर 8000 हो गया था लास्ट ईयर. और यहाँ पे बाय 2025 फ्रांस का होप है कि ये नंबर भी हमें दो गुना होता हुआ नजर आएगा. 12 फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स फोर्सिबली रिटायर्ड. तो यहाँ पर स्वीपिंग एक्शन लिया है, रिमूव किया है करप्ट ऑफिशियल्स को फ्रॉम द सर्विसेज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने. यहाँ पर ऑर्डर निकालते हुए 12 सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के उनको रिटायरमेंट दे दी गई है. बोला गया है ये सारे के सारे जो लोग हैं ये रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर्स, कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स के रैंक थे. दे आर टू बी पेड अ सम ऑफ इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ पे अलाउंसेस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months एट दैट द सेम रेट. और यहाँ पर वो उनको पैसे मिलने चालू हो जाएंगे इमीडिएटली बिफोर देयर रिटायरमेंट. फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो ऑफिशियल्स हैं इनके ऊपर कुछ चार्जेस हैं जैसे करप्शन, एक्सटॉर्शन, एक्विजिशन ऑफ मूवेबल इमूवेबल असेट्स, ओके, बट दिस पर्टिकुलर थिंग्स वर नॉट डिस्क्लोज टू द प्रॉपर अथॉरिटीज टू सेक्सुअल हरासमेंट इलीगल स्टॉपिंग द प्रमोशन ऑफ कलीग, ओके. तो इस तरीके के उनके ऊपर केसेस थे, इनको उन्हें हटा दिया गया है. तो प्रेजिडेंट ने चूज किया है टू रिमूव दिस पर्टिकुलर ऑफिशियल्स इमीजिएटली रेदर देन ऑप्टिंग फॉर द अदर चॉइस जिसमें 3 महीने का यहाँ पर नोटिस दिया जाता है. पेज नंबर 13 पे हमें खबर मिलती है PM सीक्स अ 5-year रोड मैप फॉर ईच मिनिस्ट्री. तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक मिनिस्ट्री से 5 साल का रोड मैप मांग रहे हैं जो कि एक वेल डिफाइंड टारगेट के साथ होगा. यहाँ पर बात की गई कि जो हमारी मिनिस्ट्री है वो अच्छी तरीके से काम करे, डेवलपमेंट के रोल को अच्छी तरीके से प्ले करें, और मिनिस्ट्रीज़ को फोकस करना है ईज़ ऑफ लिविंग वाले यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर. और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि इंडिया की जो प्रोग्रेस है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर वो रिफ्लेक्ट करती है कि हम लोग कितने ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को. पेज नंबर 14 पे खबर मिलती है चाइना कंसर्न्ड अबाउट ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म.
तो चाइना ने यहाँ पर इंडिया को इनवाइट किया है कि इंडिया भी ज्वाइन करे इंटरनेशनल एफर्ट को, जिसकी वजह से यहाँ पर यूएस को काउंटर किया जा सकता है। यूएस जिस तरीके से ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और यूनिलेटरलिज्म कर रहा है और यहाँ पर बुलिंग प्रैक्टिस जो कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, कल मैंने आपके साथ डिस्कशन में लिया था कि किस तरीके से यूएस ने इंडिया को सबक सिखाने का फैसला लिया, ठीक है, इंडिया से जो जीएसपी के अंदर जो बेनिफिशियरी के स्टेटस था वो वापस ले लिया, ओके, इंडिया भी उससे थोड़ा सा नाराज है। और यहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन अहेड ऑफ द मीटिंग ऑफ चाइनीज प्रेजिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, वहाँ पर बहुत बड़ी बात होगी ट्रेड फ्रिक्शन को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कि चाइना यूएस के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं वो किस तरीके से इंडिया को इम्पैक्ट कर रही हैं, और यूएस और इंडिया के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उनको इंडिया को कैसे टैकल करना है, ओके। तो ये वहाँ के जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो बातचीत होगी वो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बातचीत होगी, टू काउंटर प्रोटेक्शनिज्म होगी, जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए होगी, ओके। यहाँ पे पर्सनल लेवल पे दोनों ही लीडर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जहाँ पे जो हमारी वुहान समिट थी वो एक बहुत ही सक्सेसफुल समिट थी, ओके, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा, इंडिया चाइना के रिलेशन के डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाएगा, ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि इस आर्टिकल में बात की गई, पेज नंबर 15 पे खबर मिलती है, सेबी मूल्स नॉर्म्स टू रिवॉर्ड विसल ब्लोअर्स। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्रपोज किया है कि वो एस्टैब्लिश करेंगे एक नया फ्रेमवर्क जिससे उन लोगों को रिवॉर्ड किया जाएगा जो कि आगे आते हैं, और कोई यहाँ पर अगर कंपनी ट्रेड वायलेशन करती है, नॉर्म्स के खिलाफ जाती है, उनके खिलाफ यहाँ पे विसल ब्लोइंग करते हैं, उनकी चीज़ें बताते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रोटेक्शन डाली जाएगी कि उनको विक्टिमाइज ना किया जाए इन द फॉर्म ऑफ डिमोशन या उनके जॉब से टर्मिनेट करके, बल्कि उनको रिवॉर्ड किया जाए। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हैज प्रपोज दैट एंटिटीज दैट कम फॉरवर्ड विद सच इन्फॉर्मेशन विल हैव टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड गिव एन अंडरटेकिंग दैट सच इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बीन सोर्स फ्रॉम एनी ऑफ द रेगुलेटर, ओके। इसके साथ साथ जो रेगुलेटर है उन्होंने ये प्रपोज किया है, रेगुलेटर मतलब सेबी ने प्रपोज किया है दैट इफ सच इन्फॉर्मेशन लीड्स टू अ फाइनल ऑर्डर बाय सेबी विद अ मिनिमम ऑफ अ डिसगॉजमेंट ऑफ 5 करोड़, तो यहाँ पे एक मॉनिटरी अवार्ड 10% का भी दिया जाएगा उन पैसों का जो कि सेबी कलेक्ट करता है। ये जो रिवॉर्ड होगा इसको पे किया जाएगा फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, ओके, इसके अंदर से यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। सेबी का यहाँ पे ये भी प्लान है कि सेबी एस्टैब्लिश करेगा एक ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन विंग ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी, ओके। तो ये सब चीज़ें की जाएंगी, वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म यहाँ पर हमारे सामने आएगा, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा उन सारे के सारे कंप्लेंट्स को अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन। यहाँ पे प्रपोज किया है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, इंटरमीडियरीज है, दे वुड इंक्लूड देयर कोड ऑफ कंडक्ट provisions, okay, and individuals are not discharged, terminated, demoted for these particular things. इसके साथ साथ पेज नंबर 15 पे खबर मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन imposes to use big data analytical tools to improve official statistics. तो यहाँ पे big data का इस्तेमाल करने वाली है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बोला है कि वो प्रपोज करते हैं टू सेट अप अ नेशनल डेटा वेयर हाउस विद अ व्यू टू लेवरेजिंग बिग डेटा एनालिटिकल टूल्स टू फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, जिससे चीज़ें यहाँ पर बढ़िया हो सकें, जब हमारे डेटा हैं वो यहाँ पर साफ हो सकें, क्योंकि बिग डेटा यहाँ पर उन्हीं सब चीज़ों में काम करेगा, बिग डेटा सॉल्यूशन हमें वही चीज़ें प्रोवाइड करेगा, ओके। तो बेसिकली व्हाट इज़ बिग डेटा टेक्नोलॉजी, अगर ये सवाल आता है कि ये बिग डेटा टेक्नोलॉजी है क्या, तो बिग डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, उनको सेट किया जाता है कॉम्प्लेक्स मैनर में और फिर उनको एनालाइज किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है एक ही जगह पर, ओके। तो जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के ऊपर कि जो स्टैट्स हैं उनको मोल्ड किया जा रहा है, ढंग से पेश नहीं किया जा रहा, उनको रिजॉल्व करने के लिए ये एक बड़ी चीज़ आएगी। तो एफर्ट्स लिए जाएंगे, एक लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क इन्वॉल्व किया जाएगा अंडर विच जो हमारी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है वो फंक्शन करेगी विद इंडिपेंडेंस, ओके। और यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, ओके। तो ये आज के लिए आपके लिए खबर थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो। वीडियो का एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।